Assalamualaikum. Welcome to our channel Cook with Elshik Sisters. आज हम बनाएंगे हैदराबादी लकमी कबाब. उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg खीमा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर. 2 मीडियम साइज प्याज को हमने चॉप करके ले लिया है. ये है बेसन, 4 हरी मिर्चें, ऑयल, कोथमीर पुदीना, 1 नींबू का रस. ये हमने लुकमे के डो के लिए इस तरह के 3 कप ले लिए मैदे का आटा. ये हमने लिया आधी कटोरी घी, आधी कटोरी दही. ये हमने लिया है दूध. ये 1 टीस्पून नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर. डो में ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा, ऐड करेंगे दही, ऐड करेंगे घी, ऐड करेंगे सॉल्ट, ऐड करेंगे. अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे. दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, पानी ऐड करेंगे थोड़ा. डो को हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक. एक कपड़े का हमने गीला करके आटे को लपेट के रख देना है. पैन को हमने हॉट कर लिया है. अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर लेंगे इसमें. प्याज को अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे. खीमे में ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे. प्याज फ्राई हो चुकी है. अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे. ये हमने हरी मिर्चें कट करे वो ऐड कर लेंगे. खीमे में हमने सारे मसाले ऐड कर लिए थे. अब हम इसमें खीमा ऐड करेंगे. सॉल्ट ऐड कर लेंगे, बेसन का आटा ऐड कर लेंगे, कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे. इसे अच्छे से मिला लेंगे. इसको हम ढककर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए. 10 मिनट हो चुके और इसका पानी भी सूख चुका है अच्छी तरीके से. अब हम इसे डिश आउट करेंगे. अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए. ये देखिए हमारा दो तैयार हो चुका है. ये हमने आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाकर ले लिए हैं. हमारा खीमा ठंडा हो चुका है लुकमी का. अब हम इसे पीस कर ले लेंगे अच्छे तरीके से. ये देखिए हमारा खीमा अच्छे से पीस चुका है, एकदम बारीक. हमने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है डीप फ्राई के लिए. अब हम इस पेड़े की रोटी बेल लेंगे. ये देखिए हमने रोटी बेल ली है. इसे ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है. अब हम इसमें फिलिंग करेंगे लुकमी की. किनारों को अच्छे से दबा के ले लेना है, प्रेस कर लेंगे अच्छे से. इसको अच्छे से शेप दे देंगे ऐसे. ये देखिए इस तरह से. अब हम एक और बना के दिखाते हैं आपको. ये देखिए रोटी हो चुकी है. अब हम इसमें फिलिंग करेंगे. अच्छे से प्रेस करके लेना है किनारों को. साइड्स को कट कर लेना है. अच्छे से प्रेस कर लेना, ये खुलना नहीं चाहिए. इसी तरह से हमने सारे बना के रख दिए हैं. अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे. ऑयल हॉट हो चुका है. अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे. थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसे फ्राई करके लेंगे.
मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लिया है, ये हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। ये देखिएगा हमारे हैदराबादी लुकमे कबाब बनके तैयार है। हमने इसे सॉस और मेयोनेज के साथ सर्व किया है और पुदीना और मिर्च के गार्निश किया है। कुक विद अलशेख सिस्टर्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।